एस्पिरेंट्स का स्पिन ऑफ संदीप भैया का एपिसोड 1 TVF के YouTube चैनल पे आ चुका है, जिसको आप आराम से फ्री में देख सकते हो। तो वेलकम टू विजुअल अनरैवलर और रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो ये शो बनाना सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिसीजन था, क्योंकि जो एस्पिरेंट शो था भले ही वो अभिलाष के बारे में था, पर संदीप भैया ही वहाँ पे सबसे ज़्यादा लवेबल कैरेक्टर थे। मैंने कैरेक्टर भी उनको गलत बोल दिया, वो एक इमोशन की तरह फील होते हैं। ये जो संदीप भैया वाला शो है, ये भी वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से एस्पिरेंट्स एंड हुआ था, कि संदीप भैया के सारे अटेम्प्ट्स ओवर हो गए हैं, अब उनका आगे क्या होगा, क्या उनकी स्टोरी होगी और वो अपनी लाइफ को कैसे आगे ले जाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि वो PCS बनते हुए उनको दिखाया है एस्पिरेंट्स में। तो इस बार भी कहानी प्रेजेंट और पास्ट की तरह चलेगी जैसे एस्पिरेंट्स में चलती थी, और संदीप भैया एज असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हमें देखने को मिलते हैं कि वो कैसे करप्शन को फाइट कर रहे हैं और कैसे देश की सेवा कर रहे हैं और सही चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं। स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स देखा जाए तो संदीप भैया को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखाया है, बहुत निराश दिखाया है कि एकदम डूब गए हैं और बस स्मोकिंग करे जा रहे हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा रियल फील होता है, क्योंकि अगर आपके इतने ज़्यादा अटेम्प्ट खराब जाएँ और आप इतने ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, तो इमेजिन करो आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और उस चीज़ को ना पा पाओ, तो आप एकदम से टूट जाते हो, आपके अंदर कोई भी मोटिवेशन नहीं बचता है और इस चीज़ से आप तुरंत कनेक्ट कर पाते हो। जो उनका आर्थिक स्थिति वाला डायलॉग था एस्पिरेंट्स में, वो यहाँ पे हमें रियल में देखने को मिलता है कि उनके पास पैसों की कितनी कमी है, वो कितना ज़्यादा फाइनेंशियली वीक और हेल्पलेस फील करते हैं। इस शो की मैं सेटिंग की बात करूँ तो जैसे पहला वाला शो राजेंद्र नगर में सेट था, क्योंकि वहाँ पे UPSC की प्रिपरेशन होती थी, ऐसे ही प्रयागराज भी सेंटर है जहाँ पे UPSC की प्रिपरेशन होती है। तो इस शो का जो मेन सेंटर वो प्रयागराज होने वाला है। संदीप भैया का हमें मेंटोर वाला साइड बहुत पसंद आया था एस्पिरेंट्स में, जब वो अभिलाष को बहुत अच्छे अच्छे एडवाइसेस देते हैं, और यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि एक लड़की होती है आरुषि वाल्मीकि और संदीप भैया उसके लिए मेंटोर का ही रोल प्ले करते हैं। ये एस्पिरेंट से किसी भी मामले में वीक नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादातर देखते हैं जब मेन शो का स्पिन ऑफ आता है तो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाता है, और मैंने अभी अभी फर्स्ट एपिसोड देखा है और फ्रेश है माइंड में, तो मैं तो ये भी बोल सकता हूँ कि शायद ये एस्पिरेंट्स के एपिसोड 1 से मुझे ज़्यादा अच्छा लगा इसका एपिसोड 1। तो देखा जाए तो ये शो किसको देखना चाहिए, सबसे पहले तो आप अगर UPSC के एस्पिरेंट हो तो डेफिनेटली देखना चाहिए, और आपको एस्पिरेंट्स पसंद आया तो ये तो डेफिनेटली पसंद आ जाएगा। आप UPSC नहीं भी कर रहे हो, आप कुछ भी अचीव करना चाह रहे हो लाइफ में जिसके लिए आपको मोटिवेशन चाहिए, ये शो आपको बहुत ही अच्छी डोज देगा एक मोटिवेशन की। और अगर आप सब अचीव कर चुके हो, कुछ नहीं चाहिए, बस सिंपल एंटरटेनमेंट चाहिए, और आपको एस्पिरेंट्स पसंद आया हो, क्योंकि एस्पिरेंट्स टाइप का ही फील होने वाला है, तब भी आप इसको टोटली ट्राई कर सकते हो। ओवरऑल एपिसोड 1 एक सेटअप था पर बिल्कुल स्लो नहीं फील होता है, और सब कुछ दिखा देता है कि कैसे ये शो आगे जाने वाला है, और लास्ट में एक होपफुल वाली फीलिंग देता है कि अब संदीप भैया कैरेक्टर उस डिप्रेशन से, उस टेंशन से अब फाइनली बाहर आने वाले हैं। तो आप बताइए, अगर आपने संदीप भैया का एपिसोड 1 देख लिया तो आपको कैसे लगा नीचे कमेंट्स में। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।